उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थित नौरंगिया के स्कूल खास टोला में बुधवार देर रात शादी समारोह के दौरान हादसे में 13 लोगों की मौत से इलाके में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि रात करीब 8:30 बजे गांव की महिलाएं और किशोरियां हल्दी की रस्म के लिए मटकोड़ के लिए निकली थी। रात करीब 9 बजे मटकोड़ से वापस लौट रहे थे। सभी लोग कुएं के पास जमा हुए और नाच गाना शुरू हो गया। इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे कुएं में गिर पड़े, स्लैब पर चढ़ गए, जिससे स्लैब टूट गया और सभी कुएं में गिर गए। महिलाओं के कुएं में गिरते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हादसा के बाद गांव के युवकों ने सीढ़ी और रस्सी की मदद से कुएं में से लोगों को निकालना शुरू किया। वहीं कुछ लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। कुशीनगर में हुए इस हादसे के बाद गांव के ही एक युवक ने बताया है कि एम्बुलेंस के लिए कई बार फोन किया गया। 10 लोगों ने समय समय पर एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन मदद करने कोई भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ये हालत तब देखने को मिली जब घटना स्थल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर ही एक अस्पताल मौजूद है। हादसे के बाद जब मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो प्राइवेट जीप और पुलिस की गाड़ियों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के वक्त घटना स्थल पर मौजूद युवक ने कहा है कि लगभग पुलिस स्टेशन और अस्पताल सामान दूरी पर है, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोग एम्बुलेंस को फोन करते रहे, लेकिन वह मदद के लिए नहीं पहुंची। मौजूद लोगों का कहना है कि महिलाएं मटकोड़ में व्यस्त थी तो पुरुष खाना बनाने की तैयारी में लगे थे। इसी बीच कुएं में महिलाओं के गिरने की खबर से हर कोई उस तरफ दौड़ पड़ा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस बीच कुछ नौजवान लड़के रस्सी के सहारे कुएं में उतर गए और महिलाओं व बच्चियों को निकालना शुरू कर दिया। लोग वहां पर चीख रहे थे, परिजन अपनों को खोजने में लगे थे। कुछ ही देर में गांव में पुलिस की गाड़ी पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुशीनगर में हुए हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है, जिसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। इसके साथ ही घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज टैग इंडिया। पूरी जानकारी क्या मिली है? एक दुखद हादसा हुआ, ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था, उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही उनको ब्रॉड डेड होता। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज यहाँ पे मार्चरी में है और सारे महिलाएं और बच्चियाँ हैं और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। आने के बाद सर यहाँ पे जो कुछ परिजन थे, एक आदमी बताया कि वो 2 घंटे तक लगातार एम्बुलेंस ट्राई करते लेकिन सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस अपनी गाड़ियों से ले गई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है।